नहीं है
बल्कि ये पूरी की पूरी देर अकेले यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिनका पूरा नाम अभी भी इन पार्टियों के लोग इनको देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए फिर हमने मजबूरी में DSP बनानी पड़ी है और फिर हमने इनको काफी कुछ लाभ भी पहुँचाया है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इस देश में दलितों, आदिवासियों वे हमने पिछड़े वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार मिले हैं। जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए कानूनी अधिकार तो मिल गए हैं, लेकिन इनका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजाद भारत से जब पहली सरकार बनी थी केंद्र में कांग्रेस पार्टी के, तो उसमें ये कानून मंत्री बने, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित नेहरू को ये कहा था कि मैंने जो कानूनी अधिकार इस देश के दलितों और आदिवासियों को दिए हैं उनका पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, आरक्षण का भी पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था की है, इसके तहत कमीशन बनना चाहिए और कमीशन की जब रिपोर्ट आए तो दलितों और आदिवासियों की तरह जो अन्य जातियां छूट गई हैं, जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात से तैयार नहीं हुए और नतीजा क्या हुआ, तब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये फैसला लिया कि जो मैंने कानूनी अधिकार अपने लोगों को दिए हैं इनको लाभ पहुँचाने के लिए, इनका पूरा लाभ पहुँचाने के लिए इनको मैं जागरूक करूँगा और इनको मैं सलाह दूंगा कि यदि आप लोग सही मायने में भारतीय संविधान के तहत कानूनी अधिकारों का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को केंद्र और राज्यों में राज्य की सत्ता की मास्टरशाही खुद अपने हाथों में लेनी हो। और जिसके तहत ही 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी बनी और भी पार्टियां हमारे सामने आई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के बाद तो हमारी पार्टी बराबर ये संघर्ष करती रही कि भारतीय संविधान में जो दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों को कानूनी अधिकार मिले हैं उनका पूरा काम मिल जाए। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, तो माननीय उस समय माननीय श्री कांतिराम जी ने तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ये कहा कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट दाखिल कर दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद फिर हमें अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में कई महीने तक बोर्ड तलब पर हमको धरना प्रदर्शन आदि भी करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी नहीं झुकी। उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है कि 1989 में देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ, और जब आम चुनाव हुआ इन्हीं दबे पिछड़े लोगों ने, पिछड़ों ने फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया और 1989 में फिर श्री जीती सिंह के नेतृत्व में तो अन्य विरोधी पार्टियों की सरकार बन गई थी। अन्य विरोधी पार्टियों ने मिलकर केंद्र में सरकार बना ली थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी, लेकिन वो भारत से समर्थन दे रहे थे। तो लेकिन उस समय 1989 में हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे। उस समय 1989 में 1 MP आपके आजमगढ़ से जीता,
एक पंजाब से जीता और मैं खुद बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। हमारे 3 एमपी बने थे तो लेकिन हम लोग सत्ता में नहीं थे, लेकिन उस समय श्री बीपी सिंह जी ये चाहते थे कि हमारी पार्टी इनको समर्थन दे, सरकार में शामिल हो जाए। लेकिन हमने श्री बीपी सिंह जी को ये कहा कि हम सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको भाष्य समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया और लंबे अरसे तक इनके अनुयायी कांग्रेस पार्टी से ये मांग करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। तो हमने श्री बीपी सिंह को कहा कि हमारी पहली मांग ये है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करो। दूसरी मांग ये थी कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया है, हम चाहते हैं कि आप इसे लागू कर दें। यदि आप हमारे ये दोनों शर्तें मान लेते हैं तो हम आपको भारतीय समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो उस समय श्री बीपी सिंह ने हमारी दोनों शर्तें मान ली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। देश में पहली बार अति पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अथक प्रयासों से आप लोगों को आरक्षण की सुविधा मिली। ये दोनों शक्ति उन्होंने हमारी मान ली, लेकिन उस समय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको भारतीय समर्थन दे रही थी, उनको इसका अच्छा नहीं लगा और भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ आरक्षण विरोधी मोर्चा बना के उनको आगे करके पूरे देश में इसका घटकर विरोध कराया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने श्री बीपी सिंह की सरकार को ज्यादा दिन तक नहीं चलने दिया था। और ये सरकार के कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला है तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को काफी संघर्ष करना पड़ा, उनके देहांत के बाद बहुजन समाज पार्टी को भी आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, उनका लाभ दिलाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि आज पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग जो थोड़े बहुत सुरक्षित हैं, तो ये सब देन केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है, जिन्होंने अपने देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया है, जिसे बीजेपी व आरएसएस के लोग कतई भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों व अन्य मेहनत लोगों के उत्थान के लिए भी संविधान में पूरी व्यवस्था की है, लेकिन पूंजीवादी मानसिकता रखने वाले लोग उस पर अमल करने के लिए अभी भी पूरे तौर से तैयार नहीं है, जिसके लिए जीएसटी बराबर संघर्ष कर रही है। और अब तो खुशी की बात यह है कि अब तो समाजवादी पार्टी के साथ में आने की वजह से हमारा ये काम काफी आसान हो जाएगा। और इसी सोच को ध्यान में रखकर ही यहाँ प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा का और आरएलडी का इस चुनाव में इन तीनों दलों का मिलकर ये चुनाव से गठबंधन भी हुआ है। और अब इससे यहाँ इस बार चुनाव में खासकर कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की काफी हद तक नींद भी उड़ी हुई है, जिसे अभी से ये लोग अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य का भी जबरदस्त खतरा मानकर चल रहे हैं। और अब ये लोग सिसियानी दिल्ली खंबा नोचे की तरह ही हमारे इस बने सामाजिक महापरिवर्तन के गठबंधन को इसे कभी
शराब बता रहे हैं तो कभी इसे महामिलापी बता रहे हैं, जबकि वास्तव में जाति के हिसाब से तो यहाँ महामिलापी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, जिन्होंने हमारे अति पिछड़े वर्गों का हक मारने वे इख्तियार में अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भी गुजरात में अपनी सरकार के रहते हुए अपनी अगली जाति को ही जुगाड़ करते हुए फिर अति पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करवा लिया था। तो इससे अब ये साफ जाहिर हो जाता है कि महामिलापी हम नहीं हैं, बल्कि महामिलापी खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही है। और वैसे वास्तव में यह बिना मिलापी के पिछड़े वर्ग से आपके बीच में श्री अखिलेश यादव यहाँ बैठे हैं, ये बिना मिलापी के ये मिलापी नहीं है। और वैसे वास्तव में यहाँ बिना मिलापी के पिछड़े वर्ग से आपके बीच में श्री अखिलेश यादव बैठे हैं, जो असली भी हैं और जनजाति पिछड़े वर्ग के भी हैं। अर्थात ये श्री नरेंद्र मोदी की तरह वर्गी वे कागजी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। और यही मुख्य कारण है कि अब इन लोगों का हमारा ये असली सामाजिक महापरिवर्तन का बना ये गठबंधन आसानी से इनके गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा है। और ये डर है कि इस किस्म का ये गठबंधन कई देश के अन्य और राज्यों में भी ना बन जाए, जिसको लेकर ये लोग काफी ज्यादा चिंतित भी हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, आज जो यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी व आरएसएस की सरकार चल रही है, तो ये सन 2007 में जो हमने यहाँ सब समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों अन्य पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का आपस में भाईचारा पैदा करके अर्थात जो इनका गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा था सन 2007 में, तो तब उस समय पूर्ण बहुमत की भी हमने इसी सामाजिक गठबंधन के आधार पर पूर्ण बहुमत की सन 2007 में सरकार भी बनाई थी। तो इससे उस समय खासकर यहाँ कांग्रेस व बीजेपी एवं आरएसएस की ये सोचकर नींद उड़ गई थी कि कहीं इनका बना एक गठबंधन आगे चलकर केंद्र की सत्ता में ना आ जाए। और फिर इसको तोड़ने के लिए इन्होंने किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, जिसके तहत इन्होंने या अति पिछड़े वर्गों में से विभिन्न जातियों के नाम पर अनेकों संगठन और पार्टियों का गठन करवा दिया। आप लोगों को बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने की जरूरत है, खासतौर से पूर्वांचल के लोगों को, और आजमगढ़ ये पूर्वांचल का केंद्र है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सन 2007 में जब हमने दलितों आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अखिलेशों में और अपर कास्ट के गरीब लोगों में भाईचारा पैदा करके यहाँ अपनी सरकार बनाई सामाजिक भाईचारे के आधार पर, तो ये कांग्रेस बीजेपी को अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद खासकर फिर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे गठबंधन हमारे भाईचारे को तोड़ पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अति पिछड़े वर्ग में विभिन्न जातियाँ थी, जो ये एक तरफा जुड़ी हुई थी भाईचारे के आधार पर, इनमें से कुछ स्वार्थी लोगों को पकड़ लिया, कहीं पर राजभर को पकड़ लिया, कहीं पर लुनिया चौहान को पकड़ लिया, कहीं पर निषाद को पकड़ लिया, तो कहीं पे मौलिया को पकड़ लिया। तो इस तरीके से स्वार्थी किस्म को लोगों को लेकर इनके संगठन बना दिए। और जब उसके बाद चुनाव हुआ, अब जब भी चुनाव होता है इन और इनके संगठन बना दिए, पार्टी बना दी, इन्होंने खुद नहीं बनाई बल्कि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने ये जो बैकवर्ड क्लास का वोट है इसको बांटने के लिए फूट डालो राष्ट्रों के लिए इसके तहत इनका वोट बांटने के लिए इनके संगठन बना दिए, विरोधी पार्टियों ने इनकी पार्टियां बना दी। और जब पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव होता है तो कुछ
पार्टियों को ये पैसा देकर बैठा देते हैं और कुछ पार्टियों को एक दो सीट दे देते हैं और उसकी आड़ में फिर पूरे उत्तर प्रदेश में उनके समाज का वोट लेते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर ये लोग आपके हितों में कुछ काम नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, अब यहाँ ये जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको बांटा, और अब तो श्री अखिलेश यादव के घर में भी उन्होंने डकैती डाल दी बीजेपी के लोगों ने, तो श्री अखिलेश यादव के घर में भी एक घर को भी अछूता नहीं छोड़ा, और इन्होंने शिवपाल यादव को बीजेपी के लोगों ने तोड़कर उसको आगे करके अलग से पार्टी बनाई और ये सोचकर बनाई कि जगह जगह इनके माध्यम से बीजेपी के जहां जहां उम्मीदवार खड़े होंगे और ये सपा का कितना वोट काट सकते हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपने कैंडिडेट भी इनके माध्यम से खड़े करवाए। तो ये इस किस्म की शादी सब इन लोगों की चलेगी। सन 2007 में इसी गठबंधन के आधार पर हम लोग अकेले पूर्ण बहुमत के आधार पर आए थे, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यूपी में ये जितने छोटे छोटे संगठन बने हैं पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों के नाम पर, तो ये सब विरोधी पार्टियों ने अपने स्वार्थ में बनाए हैं। इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। आज के पूर्वाचल में ये संगठनों ने बीजेपी ने इनको आगे करके जगह जगह कैंडिडेट खड़े कराए हैं। आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, वरना बीजेपी का बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इससे मेरी आप लोगों से ये पुरजोर अपील भी है, आज से आप लोगों को ये तैयार करके जाना है कि अब आप लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे जो भी अनेकों संगठन वे पार्टियां बनी है तो उनसे आप लोग अपनी दूरी बना के रखेंगे। अर्थात अब आप लोगों को अपने सामाजिक गठबंधन के साथ जुड़कर ही, अपने सामाजिक गठबंधन के साथ ही ये जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है ये सामाजिक महापरिवर्तन का गठबंधन है। इस विशाल सामाजिक महापरिवर्तन के गठबंधन के साथ जुड़कर ही यहाँ आप लोगों को जातिवादी संप्रदाय व पूंजीवादी ताकतों का मिलकर मुकाबला करना है, तभी आप लोगों का क्या कई विकास का उत्थान आदि हो सकता है। और वैसे इस मामले में आप लोग केंद्र में खासकर कांग्रेस व बीजेपी की रही, बीजेपी तो सत्ता में रही है, बीजेपी अभी भी सत्ता में है, इसको आप लोग अजमा चुके हैं। और इस संबंध में हालांकि आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासन काल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए थोड़े आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की एक खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण संप्रदाय द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि सामने आने वाली नहीं। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्ग एवं अन्य मेहनत कश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे से दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वादे किए थे, तो उनका अभी तक जिन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा का कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इनके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चेहरे से बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धरना खेतों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवाड़ा बनाने में सतना
भी रहे हैं और अभी भी हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने जोड़े गए आवारा जानवरों वे पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इनकी खासकर जातिवादी हीन संप्रदाय वे पूंजीवादी सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में सर्व समाज से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है और उन पर अभी भी यहाँ हर स्तर पर जुल जाति आदि होने बंद नहीं हुई है। इसके साथ ही केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है तो उससे यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ा है जिससे हमारे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को चुनाव में कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को भी यहाँ किसी भी कीमत पर केंद्र की सरकार में आपके नहीं होने देना है जिनको आप लोग काफी आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के नाम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है और इस मामले में खासकर विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवा हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहका देने भी बिल्कुल निर्याना है जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद अधिकांश दरकिनार कर देती हैं और इस संदर्भ में न खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी। बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा से हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे से दिखाने के असंख्य पत्रों भरे चुनावी वायदे किए थे तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्ति रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी की कर रही है और इस कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है तो इसके लिए इनकी गरीबी को दूर करने का कोई सही हल निकलने वाला नहीं है जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि क्षेत्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार या देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी पूरी व्यवस्था करेगी। इस प्रकार बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अन्य वोट किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को कतई भी नहीं आना है और इन्हें अपना केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही हम मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के तथा देश के हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर
जिसके लिए अब आप लोगों को चुनाव में यहाँ के बने गठबंधन के सभी लोकसभा के उम्मीदवार को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही हमने आप लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि चुनाव में यहाँ गठबंधन के तहत आपकी आजम पर सदर लोकसभा की सीट से सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव खुद ये चुनाव लड़ेंगे, जिनको अब आप लोगों को यहाँ से हर भारत में जो मेरे पुरजोर आप लोगों से अपील है, जिनको अब आप लोगों को यहाँ से हर भारत में रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। और वैसे भी आप लोगों को इनके ऊपर ये पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये बीजेपी के उम्मीदवार की तरह आपको अपनी कलाकारी आदि तो नहीं दिखा पाएंगे। बीजेपी का उम्मीदवार जरूर अपनी कलाकारी दिखा सकता है, उसकी अपनी कलाकारी है, तो बीजेपी के उम्मीदवार की तरह आपको ये अपने कलाकारी आदि तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये आगे अच्छा वक्त आने पर आपके इस आसन के क्षेत्र के विकास के उत्थान का जरूर पूरा पूरा ध्यान रखें। हालांकि इन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए भी आपके इस आजमगढ़ क्षेत्र को विकसित करने के लिए काफी कुछ काम किए हैं। इसके साथ ही इस मामले में हमारी पार्टी की खुद की रही सरकार के समय में भी यहाँ के क्षेत्र के विकास के उत्थान के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। और अब ऐसे में आप लोगों को अपने हितों में यहाँ की आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट से चुनाव में रहे सपा प्रमुख सपा उम्मीदवार श्री अखिलेश यादव को इस पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको यहाँ विकास को वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इसके साथ साथ आपके आजमगढ़ जिले की लालगंज रिजर्व लोकसभा की सीट से भी डीएसपी महिला उम्मीदवार श्रीमती संगीता आजाद को इस पार्टी से हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको भी भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ में गठबंधन के लोगों को सपा और बसपा के लोगों को खास तौर से कहना चाहूंगी, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाए, तो फिर आप लोगों को यहाँ अपने बने गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है, एक एक सीट को जिताना बहुत जरूरी है। और अब ये चुनाव खासतौर से पूर्वांचल का रह गया है, और आपको मालूम है कि बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथी प्रोग्राम पूर्वांचल के बनाए हुए हैं, और शायद कल आपके इधर भी आने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा अकट इकट्ठा हुआ है गठबंधन का, तो ऐसे मालूम की शायद कल वो अपना प्रोग्राम ही ना तहसील कर दे। और यदि वो आ भी जाते हैं, यदि वो आ भी जाते हैं, तो वो हो सकता है कि अपना मनोरंजन करके चले जाए। बीजेपी के उम्मीदवार से क्यों वो मनोरंजन करके चले जाए, लेकिन उनको कुछ खास हासिल होने वाला नहीं। तो इसलिए अब पूर्वांचल में खासतौर से ये लोग पूरी ताकत लगाएंगे, अपने आरएसएस के लोगों को गांव-गांव में भेजेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, और खासतौर से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ये पूर्वांचल में अपना दौरा करेंगे, तो रोजाना ये किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे हमारे गठबंधन में भ्रम पैदा करने के लिए। सपा बसपा में किस्म किस्म के भ्रम पैदा करने के लिए तो ये किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो इससे भी आप लोगों को साथ मिल जाए ना, आप लोगों को
कि अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जब प्रतापगढ़ आए थे तो उन्होंने इस किस्म की बातें कही के और मेरे तरफ मेरे मामले में थोड़ा नरम रवैया अपनाया और श्री अखिलेश यादव के बारे में थोड़ा सख्त इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही ताकि इनमें भ्रम पैदा हो जाए। इसलिए मुझे फिर तुरंत ही अगले दिन मीडिया में जाना पड़ा और श्री नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा कि आप कितने भी हर संदेश इस्तेमाल कर दे ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है, ये गठबंधन ये लंबा चलेगा आगे चलेगा, ये केवल केंद्र की सत्ता में आपको उठा फेंकने के लिए ही अकेले उठा फेंकने के लिए ही नहीं बना है, आपको तो उठा के फेंकेंगे ही केंद्र में। लेकिन ये गठबंधन जब तक शांत से नहीं बैठेगा चुप नहीं बैठेगा, जब तक नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके जो चेले हैं योगी को भी उत्तर प्रदेश से हम उठा कर नहीं देंगे। जब तक हम यहाँ थे तो श्री योगी को हम गोरखपुर में उसके मठ में वहां पर उसको वापिस नहीं ले रहे हैं। ये गठबंधन हमारा पूरे की जान से लगा रहेगा और ये गठबंधन हमारा टूटने वाला नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं। मैं श्री अमित शाह को भी श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहना चाह रही हूँ, आप चाहे 10-20 हर एक एक लोकसभा में आप कई प्रोग्राम बना लो लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं। पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं उन्होंने बता दिया है, उन्होंने ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है, बीजेपी साफ हो रही है। और मुझे तो अब पूरा भरोसा ये है कि बाकी राज्यों में भी लगभग ऐसी रिपोर्ट मिल रही है तो वहाँ पे जो रीजनल पार्टी हैं उनकी भी अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार केंद्र में मुझे ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी अब वापिस आने वाले नहीं है, इनके अच्छे दिन लग गए अब पूरे इनके वापिस आने वाले। इसलिए मेरे आप लोगों से ये कहना है कि अब जो पूर्वांचल बचा है जिसमें के बड़े पैमाने पर वैसे तो सब समाज के लोग हैं लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोग काफी है, आप लोगों को इनके बहकावे में आकर और खास तौर से तो प्रधानमंत्री जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, मैं बार बार कहती हूँ ये असली नहीं है, ये नकली है, फर्जी है, काफी है, ये आप लोगों का वोट लेने के लिए जबरदस्ती ये काफी ओबीसी बने हैं। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। गठबंधन के तहत जहाँ जहाँ भी हमारे बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि हमें एक एक वोट अपना ट्रांसफर कराना है, एक एक वोट हमें ट्रांसफर कराना है। आप लोगों को कोई गलती नहीं करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई जिला सुखवा हमारा पुराना भी है तो मैं अपील करने के लिए आ रही हूँ उसको आप लोग तो देश और जनहित में मूवमेंट के हित में कमजोर तबकों के हितों में अपने आप लोग इसको भूल जाओ तो अकेले पिछड़े सबको बुलाकर इस समय सामाजिक परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर को हमें लंबा ले जाना है और आपका बहुत बड़ा योगदान है इस लोकसभा के आम चुनाव में और इसी लोकसभा के आम चुनाव में आप लोगों को ये संदेश दे देना है कि ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा और ये पूरे देश के अंदर परिवर्तन लाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अधूरा कार्य था सामाजिक परिवर्तन का केंद्र और सूबो में, तो जो उपेक्षित लोग हैं इन लोगों के हाथ में सत्ता है, अब ये समय नजदीक आ रहा है बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को अपना गठबंधन के उम्मीदवारों को एक एक वोट देकर उनको जरूर कामयाब बनाना है और मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले भी अब भीड़ तो बड़े पैमाने पर आ गई, आप लोग हमारी बात भी सुन रहे हैं लेकिन वोट वाले भी आप लोग गलती मत करना, वोट वाले भी आप लोगों को सुन रहे होते ही
और अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव